अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये आज की वीडियो उसकी रिवीजन है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रीपेड और पोस्टपेड सिम के बारे में बताया था, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी लंबी थी और कुछ लोगों को उसकी समझ नहीं आई, इसीलिए ये उस वीडियो की रिवीजन है। दुनिया में जितने भी सिम है उनकी मेन दो कैटेगरी है, एक है प्रीपेड, एक है पोस्टपेड। कुछ लोगों को अक्सर डाउट होता है कि हमको कौन सा सिम लेना चाहिए और प्रीपेड क्या कौन सा सिम है और पोस्टपेड कौन सा सिम है। तो आज आसान सी वजाहत इन दोनों सिमों के बारे में करूंगा ताकि आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रीपेड सिम के बारे में, उसके बाद पोस्टपेड सिम के बारे में। प्रीपेड सिम, जैसे कि नाम से इसका पता है कि प्री पहले, पेड पेमेंट करना, पैसा पे करना। इसका मतलब है कि आप इससे जो भी कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इंटरनेट यूज़ करोगे, उसके लिए आप लोग पहले पेमेंट करोगे। यानी उसमें कार्ड, आसान अल्फाज में इसमें कार्ड लोड करोगे तो उसके बाद आप इसके सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो, इससे कॉल कर सकते हो, या आप इंटरनेट से इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, या इससे मैसेज वगैरह भेज सकते हो। यानी प्रीपेड पहला पैसा जमा करो, उसके बाद आप इसको यूज़ करो। ये इसकी आसान वजाहत है। उसके बाद है पोस्ट पेड। पोस्ट बाद में आता है, यानी आप पहले इस, अगर आप पोस्टपेड सिम यूज़ करते हो उसका मतलब ये है कि आप इसको मंथली या दो मंथ के, आप पूरा महीना इसको इस्तेमाल करो, जितना भी उसका लिमिट आपको दिया गया है, 200 है, 500 रियाल है, 1000 रियाल है, मुख्तलिफ लिमिट से आप उसको पहले इस्तेमाल करो, कॉल भी करो, इंटरनेट भी इस्तेमाल करो और मैसेज वगैरह भी यूज़ करो, इसका सेंड करो। और महीने के आखिर में जितना भी आपने यूज़ किया होगा उसको आप महीने के आखिर में आपको बिल पे करना होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको अभी समझ में आया होगा कि प्रीपेड क्या है और पोस्टपेड क्या है। प्रीपेड वो सिम, उसमें पहला पैसे लोड करोगे, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पोस्टपेड इसमें आप इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है, महीने के आखिर में आपने जितना इस्तेमाल किया होगा वो आपको बिल पे करना होगा। अभी दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या है। प्रीपेड सिम आम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, जो कि उनका बजट बहुत कम होता है, वो जितना भी वो लोग उसमें लोड करेंगे उतना ही वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पोस्टपेड सिम उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज़्यादा कॉल यूज़ कॉल करते हैं, या कहते हैं हम महीने के आखिर में, महीने के स्टार्टिंग में पैसा पे कर सकते हैं। वो लोग पूरा महीना जो भी पैकेज लगाया होता है, आप पैकेज लगाओ, उसको इस्तेमाल करो, महीने के आखिर में आपने अगर उससे एक्स्ट्रा कोई कॉल वगैरह किया होगा तो वो भी आप यूज़ तो उसका बिल आपको महीने के आखिर में आ जाएगा, आप उसको पे कर सकते हो। पोस्टपेड में फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि किसी भी वक्त आपकी कोई इमरजेंसी हो, आपके पास पैसे ना हो, तो आप इस सिम से कॉल कर सकते हो। इंटरनेशनल भी और लोकल भी एक लिमिट होता है, आप उसमें कॉल कर सकते हो, पैसे को आपको टेंशन नहीं होगा, आप महीने के आखिर में आप उसका जो बिल आएगा उसमें आप लोग पे कर लोगे। तो ये इन दोनों सिमों की मेन वजाहतें, मेन चीज़ें प्रीपेड और पोस्टपेड पे। जो नॉर्मल आप इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल इस्तेमाल के लिए आप लोग लेते हो, तो वो आप प्रीपेड लो, आपको फ़ायदा है। और अगर आपको ज़्यादा कॉल करनी हो, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हो, तो आप लोग पोस्टपेड सिम लिया करो। पोस्टपेड सिम में आप लोगों को फिर ये फ़ायदा होगा कि आप महीने के आखिर में बिल पे करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वजाहत से आप लोगों का जहन क्लियर हुआ होगा और आप लोग आइंदा जो भी सिम लोगे तो आपको पता होगा कि प्रीपेड सिम का क्या मतलब है और पोस्टपेड सिम का क्या मतलब है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।